हेलो आदाब नमस्ते सत श्री अकाल और कैसे हैं आप सब। आई होप आप हेल्थी और हैप्पी होंगे और ऐसे ही रहेंगे। तो जी स्टार्ट है आज का न्यू ब्लॉग। तो आज है 8 तारीख जुलाई की और टाइम हो चुका है 7:13 और आज है शुक्रवार। तो जैसे कि मैंने अपना वेट लूज की जर्नी एक स्टार्ट की है मैंने, तो आज अभी सुबह मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने ड्रिंक से। ये देखिए ड्रिंक मेरी रेडी है। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज का अपना पूरा डे रूटीन के आज मैं क्या क्या खाऊंगी, कितनी क्वांटिटी में और कब कब। तो मैंने सोचा कि चले ये मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी तो मैं ये ड्रिंक पीऊँगी, उसके बाद मैं करूँगी कल की वीडियो का एडिटिंग जो आपको अब तक मिल चुकी होगी। तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, और ये भी ब्लॉग जो है इसको भी देखिएगा और लाइक कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया ब्लॉग। तो मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी और आज लंच में बना रही हूँ काले मरका और चने की दाल। इसको मैंने भिगो के रख दिया था, आधे घंटे से भिगी हुई है ये। तो आज मैं बना रही हूँ ये दाल, और मैं कुकर में ही पहले दाल पहले छौंक रेडी करूँगी और उसके बाद दाल डालूँगी। मतलब पहले दाल उबालते हैं फिर छौंक लगाते हैं, तो कभी कभी मैं ऐसे भी बना लेती हूँ। ये देखिए कुकर में थोड़ा पानी था तो वो जल जाएगा, और मैंने टमाटर प्याज इनको भी चॉप कर लिया है और हरी मिर्च ली है। ये डाल दिया मैंने ऑयल, फिर जीरा, थोड़ी सी हींग भी, ये मैंने डाल दिया प्याज, और 4 मैंने हरी मिर्च ली है जिन्हें मैंने चीरा लगा के काट दिया था ताकि जब दाल सर्व हो तो मैं उसको ऐसे ही पूरा निकालूं। और टमाटर, थोड़े मसाले, लाल मिर्च तो बिल्कुल नाम की। ये अब दाल मैंने अच्छे से वॉश कर ली है, ये मैं अब डाल दूँगी। मेरा छौंक भी रेडी हो चुका है, थोड़ा सा टमाटर को मैश कर लेते हैं। देखिए अब मैंने डाल दी है इसके अंदर और डाल रही हूँ पानी। हिसाब से आपको कैसी पसंद है, मुझे ज़्यादा पतली दाल पसंद नहीं है, मतलब मेरे हबी को भी पसंद नहीं है और मुझे भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा पतली दाल नहीं बनाती। ये देखिए ये मेरी दाल बन चुकी है। तो ये है एक कटोरी दाल और ये है रोटी सिंपल। ये है मेरा आज का लंच जो मैं सुबह से स्टार्ट किया है। तो ये है मेरा लंच, आज मैं यही खाऊंगी बस और कुछ नहीं। तो टाइम हो चुका है 2:30 बज चुके हैं दोपहर के, और मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। पहले सुबह ड्रिंक अपना ड्रिंक लेने के बाद मैंने वीडियो की एडिटिंग करी, उसको पोस्ट किया, फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, ये सब कंप्लीट करने के बाद अब 2:30 बजे मेरा काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आज हेयर वॉश करने थे, हेयर वॉश भी कर लिया है मैंने। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए, 2:30 बजे हैं तो 4 बजे तक करूँगी।
वैसे तो मैं दिन में सोती ही नहीं हूँ, मैंने आदत ही नहीं डाली हुई। बहुत कम होता है कि कभी थकान हो या फिर कुछ भी, एक दिन पहले बिजी हो, थकान होती है तो भी दिन में सोती हूँ, नहीं तो मुझे दिन में सोने की आदत नहीं है। तो मैं देखूँगी थोड़ा सा कार्टून, थोड़ा मोबाइल चलाऊँगी, ऐसे ही रेस्ट करूँगी 4 बजे तक, और उसके बाद 4 बजे के बाद 6 बजे तक मैं बनाऊँगी रील्स। रेस्ट कर लिया मैंने, फ़ोन चलाते चलाते पता नहीं चला 4 बजे तक का सोचा था और 4:30 बज चुके हैं। तो अब मैं जा रही हूँ रील्स बनाने के लिए। तो आज मैंने सोचा आज मैं टी शर्ट में रील्स बनाती हूँ। ये देखिए, ये तो है तो मेरे हबी की। चलते थोड़ा सा मेकअप करने, और बाल मेरे पूरे सूख चुके हैं, मुझे अपने कर्ली बाल बहुत ज़्यादा। तो अब मैं बालों का भी कर रही हूँ। कुछ एक महीने से घर पे बनाया हुआ है मैंने ऑयल, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। वो सब भी मैं आपसे अगले आने वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो अब होती हूँ मैं फटाफट रेडी, क्योंकि 4:30 हो चुके हैं और 5:30-6 बजे तक मुझे रील्स बनानी है। लेकिन उससे पहले रेडी भी हूँ मैं, तो चलिए फटाफट रेडी होती हूँ मैं। चलिए जैसे मैं दिखाती रहती हूँ, दो घंटे से किधर थी तू? भूतनी भूतनी क्या पी के आ गए हो? देसी पीते हो तो बाबू बोलते हो, इंग्लिश पीते हो तो डार्लिंग बोलते हो, क्या पी के आए हो? माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। शादी के समय बहू नहीं हम तो बेटी बनाकर ले जा रहे हैं कहने वाले लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाद में बेटी तो दूर बहू को इंसान ही समझ लें तो बहुत बड़ी बात। तो टाइम हो चुका है 6:16 और बहुत अच्छी अच्छी और बहुत सारी रील्स बनाई है मैंने आज। तो अब जा रही हूँ मैं सबसे पहले नेल्स को निकालने, क्योंकि अगर ये लगा के काम करूँगी तो बिल्कुल भी काम नहीं होगा। तो सबसे पहले नेल्स को निकालती हूँ, उसके बाद चेंज करती हूँ, उसके बाद जो रील्स बनाई है उन्हें अपलोड करूँगी, और फिर रात के खाने की तैयारी। मतलब दाल तो बनी रखी हुई है, रोटियाँ बनानी है। आपको ब्लॉग बाद में मिल जाएगा और रील्स पहले मिल जाएगी। तो जिन्होंने रील्स नहीं देखी प्लीज़ वो रील्स को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार दीजिए। तो मिलती हूँ बाद में, पहले भी इन सबको डालूँ। देखिए फेस वॉश कर लिया है मैंने, हटा दिया है सारा मेकअप, आईलाइनर काजल वगैरह कुछ भी नहीं है फेस पे। तो अब मैं ऐसे ही रहने दूँगी। और मैं लेके आ चुकी हूँ कपड़े ऊपर छत पे से जो आप धोए थे, तो मैं इनका तार बना के इनको भी रखती हूँ। और मुझे वैसे तो हल्की फुल्की भूख लग रही है, तो देखती हूँ क्या खाती हूँ। छः 6:40 हो चुके हैं और मुझे लग रही है हल्की फुल्की भूख। तो मेरा मन कर रहा था कुछ खाने के लिए। तो देखिए ये मैंने सुबह कल भिगोए थे मैंने ये काले चने। तो मुझे पता था कि मैं डाइट कर रही हूँ, तो मुझे जैसे ही मैं अपनी डाइट से कम, जैसे रेगुलर खाना खाती थी उससे कम खाने लगूंगी तो मुझे भूख लगेगी बीच बीच में। तो उसके लिए मैंने ऑप्शन रखा था, तो ये मैंने कल काले चने भिगो के रख दिए थे और आज सुबह इसको उबाल लिया था। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़े से इतने और रखे हुए हैं और ये जा रही हूँ मैं खाने के लिए। तो मुझे भूख लग रही है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं करती हूँ, आज के व्लॉग का करती हूँ मैं एंड। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, कल बनाती हूँ नहीं कुछ नहीं पता मुझे, पहले से सोच के नहीं रखती मैं। तो जैसा भी होगा वैसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना रूटीन डे।
तो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप ऐसे ही हेल्थी रहिए, हैप्पी रहिए और ऑलवेज ऐसे ही मुझे अपना प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए गाइस। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।